हेलो फ्रेंड्स, नितिन टेल्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं रेगुलर स्लीव्स के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिजाइन सिखाने वाली हूँ। जैसे आप गले से स्वेटर बनाते हो तो आप किस तरह से डिजाइन डाल सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो अब इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये हमने 12 फंदे डाल लिए हैं और 12 फंदे डालने के बाद हम 6 सिलाई सीधा सीधा बुन लेंगे। सीधी सिलाई में भी सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी सीधा बुनेंगे। अब ये हम फर्स्ट रो बुनाई की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमने ये 4 फंदे ये सीधा इधर बुन लेना है और 4 फंदे सीधा इधर बुन लेना है। ये बीच के 4 फंदों में बुनाई बनेगी। अब इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। एक फंदा सीधा बुना, ये 2 फंदा बुन लिया, ये 3 फंदा और ये 4 फंदा। 4 फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे और ये 2 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे। ये हमने ऐसे धागा ऐसे लेना है और ये राइट हैंड वाली सिलाई पे ऐसे फंदा को बढ़ा लेना है ऐसे। अब इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करेंगे। ये अंदर वाला फंदा इधर लेके आएंगे और ये फंदा हम अंदर लेके आएंगे। अब इसके लिए देखिए, इसको हम ये दोनों फंदों को गिरा लेंगे। पहले हम ये फंदा उठा लेंगे और बाद में इस फंदे को उठा के इस पे ऐसे चढ़ा लेंगे और अब दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब उसी तरह से ये दोनों फंदों को करेंगे हम। अब ये अंदर वाला फंदा इधर लेके आएंगे और ये फंदा हम इधर लेके जाएंगे। अब देखिए, फिर ये हम दोनों फंदों को गिराएंगे। पहले हम इस फंदे को उठाएंगे और बाद में इस फंदे को उठा लेंगे, उठा के ऐसे चढ़ा लेंगे और अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब उसके लिए फिर जैसे हमने पहले बढ़ाया था, ये धागा को ऐसे लेंगे ऐसे और इसमें ऐसे डाल के इसको खींच देंगे। अब ये चारों फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब यहाँ पे एक फंदा इधर बढ़ गया और एक फंदा इधर बढ़ गया और बुनाई की शुरुआत भी हो गई। ये सीधी सिलाई पूरा हमने बना लिया। अब उल्टी सिलाई हम पूरा उल्टा बना लेंगे। इसको हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने ये उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब सीधी सिलाई, सीधी सिलाई में फिर हम बुनाई को बनाएंगे। अब देखिए, ये पहले हमने ये 4 फंदा सीधा बुना था, अब इस बार एक फंदा बढ़ गया है तो अब हम ये 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये 5 फंदे हमने सीधे बुन लिया। एक फंदा, 2, 3, 4 और ये 5। 5 फंदा हमने सीधे बुन लिया। अब यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे करके। अब फिर ये हम 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ये अंदर वाला फंदा इधर लेके आएंगे और ये फंदा इधर लेके आएंगे। ये 2 फंदों को हमने उतार लिया। पहले ये बाहर का फंदा इस पे चढ़ा लेंगे और ये अंदर वाला फंदा ऐसे चढ़ा के इस पे रख लेंगे और अब ये दोनों फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब ये 2 फंदों को हम उसी तरह ट्विस्ट करेंगे। पहले ये अंदर का फंदा हम इधर लेके जाएंगे और ये फंदा हम इधर लेके आएंगे। इनको ऐसे गिरा लेंगे दोनों को। पहले इसे चढ़ा लेंगे और बाद में ये अंदर वाला फंदा इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे और अब दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ऐसे बन जाएगा और अब हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे
ऐसे। अब ये बुनाई इसी तरह से ऊपर बनती जाएगी। अब ये 5 फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये सीधी सिलाई बन गई है। अब उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। इसको बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब इसी तरह से हम बुनाई को ऊपर बनाते हुए रिपीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बनने के बाद ये पैटर्न इस तरह से आ जाएगा। बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।